नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहां पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है और एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आई हुई है, तो दोनों के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप लोग यहाँ पर करियर वाले सेक्शन में जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपका जो पेज है दोस्तों कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो पहला पहला है कि एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन PXC बालासोर। तो देखिए, इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है दोस्तों, ये हमारा अप्रेंटिसशिप का है, 2/9/2022 इसका लास्ट डेट है, अप्रेंटिस का है ये फॉर्म। लिंक यहाँ पर अभी ये देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया, स्टेटस ओपन है, पब्लिशिंग डेट दोस्तों आज का डेट है यानी कि 28/7/2022 को ये जारी किया गया है। और यहाँ पर वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया, फिलिंग ऑफ द वेरियस पोस्ट इन DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन डेपुटेशन बेसिस, 10/8/2022 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। कैटेगरी में अदर लिखा गया है और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो दोस्तों ओपन हुआ है 8/7/2022 आज ही के डेट में ये जारी किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले नंबर पर जो है हमारा इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप का, तो अप्रेंटिसशिप का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जारी किया गया है, ये हमारा ITI डिप्लोमा और डिग्री तीनों लोगों के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, अप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, करे अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड 1961, 1973 और 2014 के तहत यहाँ पर पूरा दिया गया है। ठीक है, प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल इस्टेब्लिशमेंट PXC चांदीपुर ए प्रीमायर इस्टेब्लिशमेंट अंडर डिफेंस, तो ये चांदीपुर का है दोस्तों आपका जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, और ये जो अप्रेंटिस होगा दोस्तों, ये आपका 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला पोस्ट है यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए है, नीचे आपका डिप्लोमा वालों के लिए है, नीचे इसके बाद जाएंगे तीसरे नंबर पे आपका ITI वालों के लिए है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है, जो कि बीए और बीटेक वालों के लिए निकाला गया है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिसिप्लिन में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन कहा गया है दोस्तों कि बीए या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या इंजीनियरिंग में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों 3 है, और यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के हैं, यहाँ पर बी या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल के यहाँ पर बी या बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तीनों में दोस्तों तीन तीन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की, और जो दोस्तों बी या बीटेक लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर दोस्तों ये अप्रेंटिसशिप रहेगा, उनको 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जो दूसरा है यहाँ पर दोस्तों ITI वालों, सॉरी डिप्लोमा वालों के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा वालों के लिए, तो सिविल के लिए कहा गया कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर देखिए, सिविल वालों के लिए 3 सीट है, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 13 सीट अवेलेबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए यहाँ पर कहा गया एक डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, टोटल यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है। मैकेनिकल वालों के लिए अगर देखेंगे तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 11 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है, और देखिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट रहेंगे उनको 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब देखिए, जो यहाँ पर है ट्रेड अप्रेंटिस ITI वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, फिटर वालों के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं मशीनिस्ट वालों के लिए है, और कारपेंटर, वेल्डर और डीजल मैकेनिक, तो जिस भी ट्रेड से आप अपना अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपका ITI होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर दोस्तों 5 सीट अवेलेबल है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 3 सीट अवेलेबल है, फिटर वालों के लिए 6 सीट अवेलेबल है, मशीनिस्ट वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है। तो ये जिनका ITI दोस्तों 2 साल का होता है उनको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और जिनका कि ITI 1 साल का, जैसे कारपेंटर, वेल्डर और डीजल मैकेनिक, इनके ITI 1 साल का होता है, तो इनको दोस्तों 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों वैकेंसी और स्टिपेंड के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर ITI डिप्लोमा और डिग्री तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कह रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज द अबव आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन PXC थ्रू ईमेल मल्ली टू HRD.PXC@gmail.com. ठीक, तो इस पे दोस्तों आपको ईमेल ID के थ्रू यहाँ पर है मनली, कह रहे एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.drdo.gov.in. कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय टाइपिंग या अफिक्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, द स्कैन कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मार्क शीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन PDF फॉर्म मस्ट बी सेंड थ्रू द ईमेल ID ओनली। ये जो ईमेल ID दिया गया है दोस्तों, इसी ईमेल ID के जरिए दोस्तों आपको फॉर्म भरकर भेजना है। ठीक,
इसी मेल आईडी पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है। करें हार्ड रिटन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यानी कि हार्ड रिटन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक, लास्ट डेट दोस्तों आपका रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है 2 सितंबर 2022, इसका लास्ट डेट रखा गया है। और करेस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट यहाँ पर जो कुछ भी बताया, कह रहा है ऑल करेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ऑफर लेटर इफ सिलेक्टेड विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल ओनली। तो ईमेल के जरिए आपको बताया जाएगा। तो ठीक, ये सब पूरा डिटेल है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कह रहे थे, सिलेक्शन बोर्ड आप पीएक्सी विल गो थ्रू द एप्लीकेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पर ये लोग फाइनल मेरिट तैयार करेंगे। ठीक, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू व्हिच विल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो जो आपका यहाँ पर इंटरव्यू कराया जाएगा। आफ्टर इंटरव्यू ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट लेटर थ्रू द ईमेल। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एनएटीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है MHRDNATS.gov.in, इस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो ITI के कैंडिडेट हैं, NAPS जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर जो भी नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर अगर नहीं आप लोग रजिस्टर किए हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, करें द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट पास देयर रिस्पेक्टिव कोर्स इन द ईयर 19, 20, 21 और 22 आर ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो 19, 20, 21 और 22 वाले सिर्फ इस फॉर्म के लिए भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और अदर वाले नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप अपना फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर के नाम से है, अगर उससे आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम इस PDF को डाल देंगे। या फिर आप अगर WhatsApp चलाते हैं तो WhatsApp ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से WhatsApp ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिस से रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। बाकी ये सब जो नेम ऑफ द कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कैटेगरी डिसिप्लिन तो जो भी आपका होगा यहाँ पर NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर आधार नंबर पिताजी का नाम नेशनलिटी डेट ऑफ बर्थ रिजर्वेशन कैटेगरी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ये सब जो कुछ भी डिटेल है ये सब आपको भर के जो ईमेल आईडी हमने ऊपर आपको बताया है इसी ईमेल आईडी पर दोस्तों आपको फॉर्म भरकर भेजना है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब वैकेंसी के बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए क्या वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि देखिए किसके लिए है, अभी हमने भी नहीं देखा था बस ऐसे देखा है। तो देखिए जूनियर डायरेक्टर अकाउंट्स 13 है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, डिपुटेशन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डिपुटेशन है, और ये आपका नॉर्मल टेनर ऑफ द डिपुटेशन 3 साल के लिए हैदराबाद में आपको पोस्टिंग होगा। इसके बाद चीफ अकाउंटेंट्स ऑफिसर के यहाँ पर 2 सीट है, दिल्ली विशाखापट्टनम में भी चेंज भी हो सकता है। तो ये है, यानी कि ये कुछ खास नहीं है वैकेंसी, लेकिन हाँ अप्रेंटिसशिप काफ़ी अच्छी है। अप्रेंटिसशिप अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जिनके लिए वैकेंसी के बारे में है नोटिस, जो अगर एलिजिबल हैं तो अपना कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।